भाषा सज्जता। विद्यार्थी मित्रों, भाषा बातचीत का एक माध्यम है। भाषा की कई सारी विशेषताएं हैं। अब कहां कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यह भी भाषा की एक विशेषता है। कभी कभार एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जब आप कुछ कहना चाहते हैं और सामने वाला उस शब्द का दूसरा अर्थ समझता है, तब भी हास्य का पिटारा खुल जाता है। आइए भाषा की ऐसी कुछ शाब्दिक अभिव्यक्ति और उसके गलत अर्थ ग्रहण को समझने का प्रयत्न करें। शब्द को पढ़े और उसके अर्थ भी समझे। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। एक, सोना। सोना का एक मतलब होता है धातु। ये संज्ञा बताता है। इसका दूसरा मतलब होता है निद्रावस्था। ये क्रिया दर्शाता है। दो, बस। बस का मतलब होता है वाहन। बस का दूसरा मतलब होता है कंट्रोल में। तीन, उत्तर। उत्तर का मतलब होता है जवाब। इसका दूसरा मतलब उत्तर दिशा होता है। चार, कर। कर का एक मतलब होता है हाथ। और कर का दूसरा मतलब होता है टैक्स, गुजराती में वेरो। विद्यार्थी मित्रों, अब उन शब्दों का वाक्य प्रयोग देखिए। जब सामने वाला अर्थ गलत करता है, तो वह आप जो कहना चाहते हैं उसके बदले कुछ और ही समझता है। आइए इन वाक्यों को पढ़िए और इस बात को समझिए। एक, लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग रहते थे। दो, आपका बेटा बड़ा हो गया है, पर आपका बेटा बस में तो है ना? जी नहीं, मेरा बेटा अभी बस में नहीं, पर मेरे साथ गाड़ी में है। तीन, पढ़ाने से पहले ही मैं जान लेना चाहता हूं कि बाद में मुझे कौन बताएगा उत्तर। बाद में क्यों, मैं अभी बता देता हूं। देखो, आपके ठीक दाएं हाथ की ओर ही उत्तर है। चार, सरस्वती के कर में क्या है? जी कुछ भी तो नहीं, देवी देवताओं पर कर लागू नहीं होता। मित्रों, ऐसे अन्य अनेकार्थी शब्द खोजकर चुटकुले बनाइए और कक्षा में सुनाइए।